रहे हैं। तमाम सख्ती के बावजूद भी ऐसे तमाम मामले निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें भू माफिया काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हर रोज़ देखने को मिलती है। ऐसा ही ताज़ा मामला निकल कर आया है लखनऊ, राजधानी लखनऊ के मशागंज इलाके में, जहां पर एक पुश्तैनी मकान को कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। वो पीड़ित हमारे बीच मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये मामला पूरा क्या है और किस तरह से उनको परेशान किया गया? क्या क्या नाम है आपका? रहीस जहां। क्या हुआ, क्या मामला हुआ पूरा? हमारे घर में जो है 12-13, 50-60 आदमियों को लेके घर में घुस आए और जो है तोड़ फोड़ मचा दी और डराया धमकाया। और जो कौन है, कौन लोग हैं और कब ये घटना हुई थी? ये 11 अगस्त 2-3 बजे का किस्सा है ये। और जो घर में घुस आए, डराया धमकाया और मारपीट की और जो है दीवार उठा दी, उधर की दीवार तोड़ दी और कहने लगे ये मेरा, हमने रजिस्ट्री करवा लिएगी और जो है आप लोग सब निकलो यहाँ से। जबरदस्ती कर रहे थे, हम लोग को बहुत परेशान किया है इन लोगों ने। क्या नाम है उन लोगों का? अर्शी हैं, आशी हैं और वो जो है क्या कहते हैं, नूरुल हसन बाबा के भाई यूसुफ। और जो है जो उनके साथ लोग आए थे तो उनका नाम है अहमद और जो है इरम और अच्छू और मीसम शेर अली और भी बहुत से लोग हैंगे। जो बाहर मजमा लगा हुआ था, 50-60 घर में घुसे हुए थे। हम लोग दहल गए थे, जेंट्स कोई आदमी घर में नहीं था, हम लोग सिर्फ लेडीज लोग थे और बहुत परेशान हम लोग को किया और अब तक के परेशान कर रहे हैं हमें। हम लोग को जान का ख़तरा है, मेरी दो दो जवान बेटियां हैं जो हमको बहुत डर लगा रहता, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं। और जो है दीवार अगर तोड़ दी और जो है सब यहाँ पूरा सामना हो रहा है और रात भर हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग को हर वक्त डर लगा रहता है और जान का खतरा है इन लोगों से। क्या कहना, पुलिस के पास आपने शिकायत की? पुलिस के पास गए थे तो उन्हीं ने कोई हम लोग की एप्लीकेशन नहीं लिखी और कहने लगे कि जो अगर तुम लोग पुलिस थाना करोगे तो पूरा मकान बिक जाएगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। उनकी रजिस्ट्री पक्की है, वो ये कह रहे थे। और अभी तक हमारे सामने कुछ नहीं आया है कि रजिस्ट्री ना उन्हीं ने दिखाया। हमने तो अपना पूरा प्रूफ दे दिया पुलिस को, मगर उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया अभी तक के। हम बहुत परेशान हैं। क्या लगता है आपको, कौन इस मामले में शामिल है जो बिना आपकी जानकारी के, जबकि आप ये मकान, इस मकान में आप रह रही, ये मकान किसके नाम पे और आप यहाँ कब से? हमारे पापा के नाम है ये तहावर हुसैन। उनकी जो फूफी थी, सगी फूफी थी, एक ही फूफी थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। वो अपने भतीजे को पाला था उन्हीं ने, उन्हीं सब अपनी वसीयत जो है अपने भतीजे के नाम कर दी थी। और तहावर हुसैन की 4 बेटियां, लड़का कोई नहीं, भाई कोई नहीं, हम लोग का सिर्फ 4 लड़कियां हैं। और जिसका इन लोग जो है कहते हैं कि जो है इनके भाई हैंगे। और हम लोग को कुछ खबर नहीं कि रजिस्ट्री करवाई है इन लोगों ने और ना हम लोग को बताया है। और ना आगे क्या कार्रवाई चाहती है आप, क्या मांग करेंगे? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ हमको नहीं मिलेगा तो हम लोग सब यही जान दे देंगे अपनी। मेरा नाम मुख्तियार अली जी। ये पूरा मामला क्या है, कब्जा जवान मकान पे किया जा रहा है? इसका कब्जा किसी का नहीं है, ये तो उनकी औलाद है सबकी, है ना। हमारे जो ससुर थे वे 56 साहब थे, है ना। उनकी बहन जो थी राजिया खानम, वे इस घर में थी दोनों, उनको उनके भाई ने उन्हें वो दे दिया था, है ना। वो तहब्बर हुसैन के नाम में कर गई, है ना। अब ये सब बेचारे इधर रह गए, है ना, इनके घर में अपने 56 साहब थे, है ना। हाँ, तो ये बेचारी जब से ही रह रही हैं वहीं पैदा हुई हैं ये, है ना। हम यूँ सौजी हैं, भूल झूल नहीं बोलते हैं, है ना। और इनके ऊपर ऐसा जुल्म, अरे भाई कोई अगर चलो रजिस्ट्री भी कराता है और ये जाली रजिस्ट्री करा ली इन्होंने और घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं बेचारों में, ये लाड़ बेवा है इससे, है ना। मतलब कि कुल मिला के मामला काफ़ी संगीन है और जबरन ये मकान पर कब्जा किया जा रहा है। हाँ, कोई किसी का राइट नहीं, ये इसमें मकान में पहले से रह रही थी और इस मकान की रजिस्ट्री जो है वो गलत रजिस्ट्री हुई। नहीं, इनको 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 पूरे 45 साल की बता रही है, है ना, ही पैदा, मतलब इसी घर में ये लोग, अब इनके बच्चे ये हैं 4। मामला काफ़ी संगीन नजर आ रहा है। पुश्तैनी मकान पर जबरन कब्जा करने का मामला आया है, इनके साथ मारपीट भी की गई है, काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर जो है इनकी जो बेटियाँ हैं, जवान बेटियाँ, उनके ऊपर हमला किया गया है, महिलाओं को कहीं ना कहीं में प्रताड़ित किया गया, उनके साथ जबरदस्ती की गई है। मामला काफ़ी संगीन नज़र है, लेकिन जो राजधानी पुलिस है वो पूरी तरह इसमें जो है लापरवाह नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। एक और पीड़ित हमारे बीच मौजूद, इनके पति जो है उनके साथ मारपीट की गई है, अब उनसे बात कर लेते हैं क्या हुआ था पूरा मामला।
जी सर, मैं परसों खड़ा दो लोगों से बातें कर रहा था और शेरली नाम का लड़का गली में रहता है, वो कहने लगा मोहल्ले के वालों को ना कुछ कहना वरना जो है यहीं मारेंगे तुमको, और जो है उतर के उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं वजीरगंज थाने गया था, तो खैर मैं अपनी कंप्लेन करके आ गया था, लेकिन उस कंप्लेन की अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये सारा मसला जो है, ये सारी कड़ियाँ हमारे मकान से ही जुड़ी हैं, क्योंकि हम आवाज़ उठाने वाले घर के एक ही मर्द हैं। उन लोग सोच रहे हैं हमारी पत्तियाँ काट दो तो ये टहनियाँ खुद ही गिर जाएंगी। सर, एक बंदर समझ लीजिए, पेड़ पे चिड़िया जो घोंसला लगाती है और बंदर चढ़ाता है, तो वो उससे कितने मुकाबले से सामना करती है, चोचे मार मार के लड़ लड़ के उसको भगाई देती है, आखिर वो हर मान के भाग जाता है। लेकिन ये लोग, दुनिया के जो ये दबंग लोग हैं, ये बिल्कुल बंदर से भी गए गुजरे हैं। इनको तरस नाम की, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। इन्हीं ने, हमारी बेवा लड़की है ये इस गड्ढे में गिरी, इस तरह से इन लोगों ने मारपीट की, उसके बाद भी ना तुम्हारे पास कोई सबूत है ना कुछ है, तुम ज़बरदस्ती परेशान किए हुए। ये मेरा खुला घर है, हर वक्त मुझे जान का ख़तरा रहता है। बाकी मैं प्रशासन से चाहूँगा मेरी सुरक्षा का इंतज़ाम करें, बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए हर कीमत पे, चाहे मेरी बच्चों की जान चली जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। उल्टा पुलिस आके हम ही लोगों को डांट के जा रही है कि ये घूमे कैसे लगाए। किसका फोन कर रहा है? जैसा कि पीड़ित रही जाने बताया कि अपनी पीड़ा बताई, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, दबक इनके ऊपर जो हावी है, काफ़ी समय से इनको परेशान किया जा रहा है, अब जबरन इनके मकान पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि जो है ये पुश्तैनी इसके मकान के वारिस है, इनके वालिद के नाम पर ये मकान है और इसके ये हकदार हैं। उसके बावजूद भी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्यों के रजिस्ट्री कराने का मामला निकल कर सामने आया कि बिना किसी सबूत के, बिना इनके जानकारी के रजिस्ट्री कैसे हो गई। ये मामला काफ़ी संगीन नज़र आ रहा है, काफ़ी लोग इसमें मिली भगत सामने आ रही, पुलिस भी साफ तौर पर इसमें लापरवाह नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसएसपी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन शाहिद के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, रसमैन न्यूज़, लखनऊ।